खबर यूपी के जनपद मुरादाबाद से, जहां नगर पंचायत पागबड़ा में नगर पंचायत अध्यक्ष के घर अपनी मां का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने पहुंची युवती ने अध्यक्ष एवं उसके भाइयों पर अभद्रता एवं मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। इस घटना की ओर से थाने में तहरीर दे दी गई है। बता दें कि पागबड़ा थाना क्षेत्र के मोहल्ला मौर्य नगर निवासी युवती अपनी मां का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने सोमवार की शाम नगर पंचायत अध्यक्ष के घर पहुंची और मां का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की बात कही तो उसका प्रमाण पत्र नहीं बनवाया गया। युवती का कहना है कि इस दौरान मैंने प्रमाण पत्र नहीं बनाने की वजह पूछी तो मेरे साथ मारपीट व अभद्रता की गई, अमर्यादित गाली गलौज किया गया, जाति सूचक शब्द कहे गए। इससे आहत होकर मैंने इसकी प्राथमिक पागबड़ा थाने में दर्ज कराई है। मेरी सारी उम्र मनोरंजन की बहनें जैसे और क्या बोला आपको? और बोला चमारो तुम, चमारो सारो पहन के रोड़ी सारी कमरे की यहाँ आ गई हो, तुम्हारे पास यही काम है और कुछ काम नहीं है। तो मैं सो रहा था, मेरी नींद खराब कर दी तुमने आकर के। तो मैंने कहा भाई मैं यहीं पागबड़े से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपने बारे में बताया तो कुछ कहने लगा ठीक है जाओ यहाँ से निकल लो, जब काम होगा आ जाना तब आ जाना। मेरा नाम रूबी सिंह है, मैं पागबड़े की निवासी हूँ। मामला ये था कि मेरी माता जी अभी एक्सपायर हुई थी, उनका मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मैं चेयरमैन जी के घर गई थी खेमती जी के यहाँ। तो उन मैंने गेट को छुटाया, उनके भाई ने गेट खोला तो फिर उन्होंने बहुत बदतमीजी के साथ मुझसे अभद्रता के साथ व्यवहार किया। उन्होंने मुझे गालियाँ वगैरह दी कि तुम चमार को और कुछ काम नहीं है, किसी भी टाइम मुँह उठा के चले आते हो। उसके बाद मैंने कहा कि आप तमीज़ से बात कीजिए, तो उन्होंने बोला कि तुम चमारों से क्या तमीज़ से बात करेंगे, तुम तो खुद ही इस बदतमीज होते हो। तो मैंने कहा आप थोड़ा रेस्पेक्टफुली बात कीजिए, मैं आपसे बात करूँ। तभी उनके अंदर से उनकी माता जी आई और उस लड़के ने मुझे बदतमीजी के साथ खींचा और बहुत ही ज़्यादा नियत की बदतमीजी से देख रहा था उल्टा सीधा। कह रहा मेरा सो रहा था, मैं सोते हुए मेरा डिस्टर्ब कर दिया मुझे तुमने। तो इस चक्कर से उनकी माता जी आई, दोनों भाइयों ने मुझे मारा, उनकी बहन ने मुझे मारा, मुख्यमंत्री जो चेयरमैन है उनकी उन्होंने खूब तेज़ी से मारा। मेरी उंगलियां भी फोल्ड कर दी हैं, पीछे को मुड़ गई, कान में भी आवाज़ नहीं आ पा रही है। थाने में प्रार्थना पत्र दिया, अगर मेरी सुनवाई नहीं हो पाई तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। मैं कानून से गुवाही चाहती हूँ कि मेरा मुझे न्याय मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय केसरी, मुरादाबाद।